हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इज सचिन गोयल, मैथमेटिक्स टीचर। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल के नाम से है। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियोस की अपडेटिंग मिलती रहे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर वन में रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट पार्ट 7/4। इस नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन बना लीजिएगा। नंबर लाइन मिड में 0, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। तो 7/4 तो यहां लिखिए P रिप्रेजेंट 7/4। ठीक है, सेकंड पार्ट -5/6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे आप। -5/6 एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 जीरो यहां पे, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 इधर, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। तो -5/6 है, 5/6 यहां पर आ गया। क्यों लिख दीजिएगा, क्यों रिप्रेजेंट -5/6। डन। क्वेश्चन नंबर टू रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। सारे माइनस में है देखिएगा, तो नंबर लाइन बनाइएगा, तो यहां पे लिख दो 0। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11। डन। फिर -2/11, ये रहा -2/11, ए लिख दीजिएगा। -5/11 को यहां पे बी लिख देना। -9/11 ये सी रिप्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। टू से छोटे आपको नंबर्स लिखने हैं। सॉल्यूशन, 2 से स्मॉलर नंबर क्या होंगे? 2 से स्मॉलर नंबर 1, 0, -1, -2 और -3, यही होंगे। और अपॉन में आपकी मर्जी है, देखो 2 भी लगा सकते हैं, यहां पे 2 लगा दीजिएगा या और कुछ भी फाइन लगा सकते हैं आप। इसके डिफरेंट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट 2 लगा देगा, कोई स्टूडेंट 3, कोई स्टूडेंट 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर इज फाइंड
टेन रेशनल नंबर बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड 1/2। ठीक है, तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पहले डेनोमिनेटर सेम कर लीजिए। डेनोमिनेटर जो सेम होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम की सहायता से सेम होते हैं। तो आप 5 और 2 का एलसीएम फाइंड करें, -2/5 and 1/2 एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 और 2 का एलसीएम, एलसीएम आप जानते हैं 5 और 2 का एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं, 2 1 2 5 1 5, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में 10 बनाना है, -2/5 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 जा -4/10 एंड 1/2 इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें 5 की, तो 5 1 5 5 2 10 डन। तो अब हमें कितने नंबर निकालने हैं, 10 -4/5 और 5/10 के बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। तो इस और इस नंबर में आप 2 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर 5 की भी, तो डिफरेंट आंसर इसके आ सकते हैं। तो -4/10 × 2/2 इज इक्वल टू -8/20 एंड 5/10 × 2/2 इज इक्वल टू 10/20। तो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर है वो क्या होंगे, 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -1/20 एंड 0 1/20 और 2/20 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट पार्ट इज 2/3 एंड 4/5 फर्स्ट पार्ट 2/3 एंड 4/5। पहले आप विद द हेल्प ऑफ एलसीएम सीज इसके डेनोमिनेटर सेम करेंगे, डेनोमिनेटर सेम करेंगे आप, तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 3 और 5 का एलसीएम, 3 1 3 5 5 1 5। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 15। 2/3 क्वेश्चन है, 2/3 3 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, 5 की, 5 2 10 5 3 15 एंड 4/5 5 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 की करेंगे, 4 3 12 5 3 15। फिर 10 और 12 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने, तो 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई 3 की, किसी में 10 की मल्टीप्लाई, तो कोई भी आंसर इसका ओके होगा। 4 की मल्टीप्लाई करने पर सिंस 10/15 × 4/4 10 4 40 60 15 4 60 एंड 12/15 × 4 की मल्टीप्लाई 12 4 48 15 4 60। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड
फोर अपॉन फाइव आर क्या होंगे, 40 से लेके 41, 41 अपॉन 60, 42 अपॉन 60, 43 अपॉन 60, 44 अपॉन 60 एंड 45 अपॉन 60। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज माइनस 3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 3। तो इसमें भी आप एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करें, 2 वन जा 2, 3, 3 वन जा 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो आपको डेनोमिनेटर में 6 बनाना है, तो 2 में कितने की मल्टीप्लाई करेगी, 6 आ जाए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 5 अपॉन 3 कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की, 5 2 जा 10 अपॉन 6। ठीक, इसमें देखो माइनस 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6। देखो इसके और इसके बीच में हम 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, 5 मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस 3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 3 आर माइनस 8 अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 6 बस इज राइट आंसर। तो आंसर इज थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 2। तो इसका भी आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, 4 और 2 का एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1। तो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो डेनोमिनेटर में आपको 4 बनाना है, यहां तो ऑलरेडी 4 है, तो मल्टीप्लाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 1 की कर देंगे, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 एंड 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। तो 1 अपॉन 4 और 2 अपॉन 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसमें आपको कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम कर लेते हैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई, 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगेन, 1 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 एंड ठीक 2 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। तो अब देखो फाइंड आउट कर सकते हैं 8 और 16 के बीच में 5 रेशनल नंबर, तो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 2 आर 9 अपॉन 32, 10 अपॉन 32, 11 अपॉन 32, 12 अपॉन 32 और 13 अपॉन 32 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस 2, ग्रेटर देन माइनस, सॉल्यूशन माइनस 2 से बड़े, माइनस 2 से बड़े कौन से होंगे, देखो भाई माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3, और अपॉन में आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें या नहीं, अपॉन में अगर मैं 2 भी लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लगा दें यहां पर कोई जरूरत नहीं, 2 यहां पर कोई जरूरत नहीं, यहां पर आंसर ठीक है, लेकिन माइनस 2 से ग्रेटर होने चाहिए, माइनस 2 से बड़े ठीक है। लास्ट क्वेश्चन
सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। पहले डेनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, 5 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, 2 से कट हुआ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 2 जा 20। तो आपको डेनोमिनेटर में यहां पे 20 बनाना है, तो 3/5 × 20 के लिए कितने की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, एंड 3/4, 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें, 5 की, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, अब 12 और 15 के बीच में आपके 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 की कर सकते हो, 8 की कर सकते हो, 6 की भी कर सकते हैं, हम 8 की कर सकते हैं, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 12/20 × 8/8, 12 8 जा 96/160, एंड 15/20, इसमें कितने की 8 की ही मल्टीप्लाई, 15 8 जा 120/160। तो इनके बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट होगा, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 3/4 आर, क्या लिखेंगे, देखो 96 से आगे क्या है, 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160, 105/160 और 106/160। आंसर, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि आपको वीडियोस की अपडेटिंग मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।